सो मैं पहुंच गया हूं भुवनेश्वर। कल रात को मैं पहुंच गया था एंड पहुंच के मैं सो गया था। सो अभी जस्ट उठा, अभी फ्रेश होके आई एम जस्ट रेडी। सो यस, टुडे इज़ द डे कि जब हम लोग मलेशिया ट्रैवल करेंगे। मेरी जो फ्लाइट है मलेशिया का वो रात है और अभी के टाइम बज रहे हैं समवेयर अराउंड 11 बजे। तो व्हाट आई विल डू इज मैं अभी चेकआउट कर लूँगा होटल से एंड होटल के बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मॉल वॉल जाके वहाँ पे थोड़ा टाइम जोन पे थोड़ा गेम वेम खेल के थोड़ा टाइम पास करके थोड़ा खाना वाना खा के देन अराउंड 8 PM के आसपास मैं एयरपोर्ट निकल जाऊँगा। सो मेरे जो एजेंट है जो मुझे फॉरेक्स ला के देते हैं वही मेरे हर टाइम मुझे वही देते हैं फॉरेक्स ला के, लाइक अगर मैं ये सिंगापुर डॉलर चाहिए तो वो देते हैं। जब मैं उड़ीसा में रहता हूँ, नॉट व्हेन आई इन बैंगलोर, तो अभी उनसे बात हुई, दे ही इज़ जस्ट कमिंग टू माई होटल। तो मैं अभी होटल के लॉबी बैठ जाऊँगा, वहाँ से पहले अपना कुछ मलेशियन रिंगिट में ले रहा हूँ बिकॉज मेरा जो फ्लाइट वो तो रात को है। सो एटलीस्ट कुछ सेफ्टी के लिए कुछ रिंगिट अराउंड 500 रिंगिट मैं लेके ही जाऊँगा। आई डू ऑल्सो हैव सम सिंगापुर डॉलर्स ऑल्सो एंड कुछ फिलीपींस पैसो भी हैं एंड बाकी डॉलर्स भी हैं, बट ठीक है थोड़ा रिंगिट के लिए भी लेना सही रह जाएगा तो फॉर सेफ्टी उसको मैं लेके चलता हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं एस्प्लानेड। एस्प्लानेड मॉल पे अभी हम लोग कुछ देर तक रहेंगे। ये मैं 3 साल बाद इस मॉल पे आ रहा हूँ। इस भुवनेश्वर के रसूलगढ़ के रोड पे ही है ये। सो गाइज वी हैव रीच बिजू पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहुँच गए अभी यहाँ पे। एंड जो फ्लाइट है वो तो है इन सम टाइम। सो गाइज पहुँच तो मैं गया एंड अभी थोड़ी देर के अंदर मैं घुस जाऊँगा। टाइम बज रहे हैं 9 और जो मेरा फ्लाइट है वो है 11:50 को। आई जस्ट स्टिल हैव 2.5 hours मोर देन दैट। तो चलो पहले चलते हैं अंदर।
कुछ चेंज हो गया है. लाइक मैं 5 साल पहले जब आया था तो थोड़ा चेंज था, अभी तो बहुत कुछ चेंज दिख रहा है. एंड चेंज इज गुड, चेंज तो अच्छा ही है. अब देखते हैं, चेकिंग तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है. चेकिंग स्टार्ट होगा तो फिर जाएंगे, टाइम है अभी. फिर उसके बाद ही सारा व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं. सो गाइस, आई विल जस्ट शो यू कि ये रहा मेरा टिकट, ये टिकट रहा मेरा. अपार्ट फ्रॉम देम मेरा पासपोर्ट जो वैलिड है ऑलरेडी. सो बस सब कुछ रेडी है, अब बस जाने का इंतज़ार है. तो ये कल सुबह 6 बजे के आसपास पहुंचा देगी टू कुआलालंपुर. बस अभी वेट ही करना है, वेट ही है. एंड क्या क्या मैं लिया हूँ सेफ साइड के लिए, यू शुड कैरी एटलीस्ट 500 रिंगिट अगर आप कैरी कर सकते हैं. मैंने 500 रिंगिट किया, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ सिंगापुर डॉलर्स पड़े हुए हैं. सो आई हैव टेकन देम आल्सो विद सम डॉलर्स एंड ऑल कार्ड्स वार्ड सब कुछ रेडी है. बस चेक इन जब स्टार्ट होगा तो मैं जाऊँगा वहाँ पर. ताकि अगर आपको बहुत ही कॉस्ट अफोर्डेबल रेट में अगर कुआलालंपुर जाना है, ट्राई टू टेक द फ्लाइट फ्रॉम भुवनेश्वर. मुझे जो फ्लाइट पड़ा था इट कॉस्ट समथिंग अराउंड 11,000. सो अच्छा है, तो कॉन्वीनियंट है. एंड पूरा दिन मैं तो ये तो मैं सोचा भी नहीं था. आई हैव एक्चुअली गॉट विंडो सीट. एक्चुअली मैंने जब वेब चेक इन किया था तो मुझे जो सीट मिला था वो था एल सीट, बट राइट नाउ आई हैव अ विंडो सीट. सो ये व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, मतलब मैं टेक ऑफ लैंडिंग सब कुछ दिखा पाऊँगा. अंधेरा रहेगा बट स्टिल आई कैन डू इट. अभी मैं करेंटली फ़ोन को चार्ज कर रहा हूँ. अभी तक मैं इमिग्रेशन गया भी नहीं हूँ, लेकिन जब इमिग्रेशन थोड़ी देर के बाद मैं इमिग्रेशन में भी जाऊँगा. अभी मैं गया नहीं हूँ इमिग्रेशन के लिए, तो अभी वेट कर रहा हूँ. बस फ़ोन अभी 65% तक चार्ज हो चुका है, थोड़ा और चार्ज कर लेंगे, उसके बाद इमिग्रेशन पे जाएंगे. सच बताऊँ गाइस, मैं जो बैक है ना, पेट दर्द कर रहा है. बिकॉज मैं कल बहुत लेट में मेरा जो पहले का होटल था वहाँ पहुँचा था, फिर मैं 4 घंटे ही बस सोया हूँ. इन द होल डे आई हैव स्लेप्ट ओनली 4 आवर्स. तो आप टायर्ड है तो देख ही पा रहे होंगे मेरे फेस से, बट ठीक है, होता है. अभी मैं इमिग्रेशन के लिए निकल जाऊँगा. मैं बस चार्ज कर रहा फ़ोन, तो इमिग्रेशन के लिए अभी गया नहीं हूँ. अभी मैं इमिग्रेशन के लिए जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे मेरे बोर्डिंग पास दिखाने पड़ेंगे, मेरे रिटर्न टिकट दिखाना पड़ेगा. एंड दे मे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन, लाइक जैसे मुझे अभी जब बोर्डिंग पास मिला, मुझे पूछे कि आप कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं. मैं बताया कि मैं यहाँ अब जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से सिंगापुर निकलूँगा, फिर सिंगापुर से फिलीपींस जाऊँगा, फिर फिलीपींस से फिर से आपका मलेशिया, एंड देन मलेशिया से बैक टू इंडिया. तो मैंने अपना पूरा प्लान को बताया, देन ओनली दे गिव मी द बोर्डिंग पास. अदरवाइज़ कहीं पे कुछ डिस्क्रिपेंसेस होता तो मे बी वो मना कर सकते थे. तो गाइज, व्हेन एवर यू कम हियर, मेक श्योर आपका MDAC फॉर्म, मतलब MDAC फॉर्म जो है, तो डिजिटल अराइवल कार्ड ऑफ मलेशिया, वो आपका फिल होना चाहिए. बिकॉज दे हैव चेक्ड इट, दे वर सीइंग इट. तो मुझे उनको आइदर आप प्रिंट आउट लाइए, अगर नहीं तो आपको ईमेल में आया होगा MDAC फॉर्म का जो रिसिप्ट, उसको आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. तो MDAC फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड, पासपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, रिटर्न टिकट्स आर रिक्वायर्ड, ऑनवर्ड जर्नी इज़ रिक्वायर्ड. एनी ऑफ रिटर्न टिकट ऑनवर्ड जर्नी, एनी ऑफ देम विल डेफिनेटली वर्क. तो बस इतना ही चाहिए आपको सब कुछ रेडी करने के लिए, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सेम प्रोसेस है. बट एयरपोर्ट बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट अगेन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से तो है नहीं. एंड मेरे पास सिर्फ एक ही मेरा चेक इन बैगेज है, तो बस उसी को ही लेके मैं जाऊँगा. देखते हैं, बस अभी हाफ एन आवर के अंदर मुझे इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा. फ्लाइट लेट है तो मुझे टेंशन नहीं है, फ्लाइट तो लेट ही है. सो गाइस, इमिग्रेशन डन, जैसे होता है, नथिंग वाज बीन आस्क्ड टू मी फॉर द इमिग्रेशन, ईजिली हो गया. जस्ट डॉक्यूमेंट दिखाए, मैम स्टैम्प लग गया. इन अंडर 1 मिनट एवरीथिंग वॉज क्लियर, 30 सेकेंड्स मोस्ट प्रॉब्ली हो गया. एंड नाउ वी आर सिटिंग हियर, आप पीछे देख सकते हैं, वी आर ऑलरेडी हियर. सो थोड़ी देर के बाद विल बी ट्रैवलिंग. एंड सो मुझे ज़्यादा कोई क्वेश्चन किए नहीं. इमिग्रेशन वॉज वेरी स्मूथ, एंड गोइंग थ्रू भुवनेश्वर टू मलेशिया सिम्स वेरी गुड. मेरे तो अभी तक का एक्सपीरियंस सही रहा है, 5 साल पहले भी मैं गया था, द सेम स्टफ. बस बैठने का जगह थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं, थोड़ा बहुत चेंज मुझे दिख भी रहा है, बट ओवरऑल इट्स रियली गुड.
Yeah.